गर्मा गर्म बन रही है अभी, और इसको बनने में कम से कम एक घंटा लगेगा। है मटन बनने में दो घंटा लगता है मटन बनने में, और ये कोयले की आँच पे पक रहा है, एकदम मोटे मसाले डाला है, पीसीस देखो। तो कैसन हो बाबू? अरे मैं बिहारी भाषा के बोल रहा हूँ, इसका भी एक रीज़न है। क्यों? क्योंकि आज हम आए हैं चंपारण, चंपारण का मटन खाने के लिए, और ये बिहारी स्टाइल मटन बनाते हैं। आप देख सकते हो कि मटन जो है वो मटकी में बनता है, और ये जो डिश है ये पटना की डिश है, इसे ये मटन हांडी बोल रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में, बट इसे बोलते एक्चुअली क्या है? मुठियारी। ये देखिए कि गर्मा गर्म बन रही है अभी, और इसको बनने में कम से कम एक घंटा लगेगा। है मटन बनने में दो घंटा लगता है मटन बनने में, और ये कोयले की आँच पे पक रहा है। चिकन बनता है एक घंटे में, क्या बात है। देखिए ग्रेवी जो है अच्छे से उबल रही है, और वैसे भी हम सबको पता है कि कोयले की आंच पे धीरे धीरे जो पकता है ना उसका टेस्ट बहुत बढ़िया निखर के आता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर दिखाएंगे भैया, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है, इन्होंने बना के रखा हुआ, ये रेडी है, ये है चिकन, ये है मटन। देखिए भाई मज़ेदार, आप देख सकते हो एकदम मोटे मसाले डाला है, पीसीस देखो कितने बढ़िया से, ये देखिए मज़ेदार। और ये है, ये भी मटन है, ये भी रेडी हो चुका है। तो कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हो आप? 10 बजे से 10 बजे तक। सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक, क्या बात है। और चिकन दिखाएंगे एक बार, ये वाला, ये है ना, और ये है इनका चिकन। आज बहुत तेज़ है क्योंकि साथ में ही कोयला पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये है इनका चिकन। आप कलर देखिए, कलर मेन कलर देखिए कितना मज़ेदार है। अरे वाह, बहुत खूब। और ये सर्व करते हैं इसको, और ये सर्व करते हैं इसको गर्मा गर्म तवे वाली रोटी के साथ। तो आप बताएंगे कि ये जो आप बना रहे हो, और ये कितने टाइम से बना रहे हो? 6 महीना से। 6 महीना हो गया। आपका नाम क्या है? राजू कुमार। तभी इन्होंने राजकुमार वाली टोपी भी पहन रखी है। और इसको हम बढ़िया से गर्मा गर्म टेस्ट करेंगे। तंदूरी रोटी नहीं होती इनके पास, इनके पास होती है तवा रोटी। घर जैसा मटन और घर जैसी रोटी के साथ खाने में जो मज़ा है वो कहीं और नहीं है। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट, और कितने रुपए का है, कितने रुपए का आता है? 2000 रुपये की मटन। इसमें कितना किलो होगा? 2.5 किलो। और किलो मटन है, 600 रुपये किलो। और चिकन 1500 की हांडी आती है चिकन की। बट अगर हम वो एक पोर्शन लेना हो, 200 का मटन और 150 का चिकन, एक प्लेट लाइक। तो ठीक है, आप एक काम करिए, आप हमारे को चिकन ट्राई कराइए। चिकन खाएंगे हम अपनी तवा रोटी के साथ, और आपको बताएंगे कि कैसा है इसका टेस्ट। ये देखिए ग्रेवी कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, और जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि इन्होंने जो है मोटे मसाले जो होते हैं, खड़ा मसाला, वो पूरा डाला हुआ है। लहसुन डाला हुआ है, देखो लहसुन भी डाल रखा है इसके अंदर। तो बहुत अच्छी तरह, जैसे घर पे जैसे बनाते हैं ये लोग, जैसे ये बता रहे हैं कि ये बिहारी स्टाइल है, और बहुत बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है। खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। ये 250 ग्राम है, और ये इसकी कॉस्ट है 150 रुपये, जो कि है चिकन हांडी। और अगर सेम यही अगर हम मटन लेंगे तो उसकी कॉस्ट आती है आपकी 200 रुपये की। चलो टेस्ट करके देखते हैं, एक बार उठा के देखते हैं, बढ़िया से खा के देखेंगे यार। अरे आज हम बिहार जा रहे हैं, बिहार जाए और ये ना खाएं तो क्या फ़ायदा। ये देखिए, हाँ, इसमें कौन सा तेल डालते हो? सरसों के तेल में बनाते हैं। सरसों के तेल में, ये देखिए बढ़िया से। टेस्ट बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से गला हुआ चिकन, मुझसे रहा नहीं जा रहा। गरम बहुत है, फ्लेवर बहुत अच्छे हैं, लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, चिकन अच्छे से गला हुआ, सब चीज़ बहुत बढ़िया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि घर जैसा, घर में जैसे बनाया है। मेरे लिए सुपर डिश है, और अगर मैं इसको रेटिंग दूँ तो मेरे लिए 10 आउट ऑफ 10 है इसके लिए। आप लोग यहाँ पर आइए, ये शॉप जो है ये है
सुनेजा टावर डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी, और ये बाहर रोड पे ही है। जो छोटे छोटे जो खोखे बने होते हैं ना, ये वो है।